हेलो एवरीवन, मैं संगीता, संगीता एक्सपर्ट में आज आप लोगों का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ बचत और विनियोग। आशा करती हूँ कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में भी आया हो तो आप लोग कमेंट करके और मुझसे पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। आज इसी टॉपिक के अंदर हमारा आगे का टॉपिक है बचत और विनियोग। अभी तक हमने पारिवारिक आय पढ़ी है और बजट पढ़ा है। इन दोनों के ऊपर, पारिवारिक आय के ऊपर ही हमारी बचत और विनियोग का जो टॉपिक है वो इसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैं इनको सबको सीरीज वाइज या सीरियल से नंबर से आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आपको आय समझ में आ जाएगी तो आपके पास आय हो गई, आय में से आपने उपभोग व्यय कर दिया, उपभोग व्यय करने के बाद आपके पास है वो बचत आ जाती है। बचत होने के बाद ही आपका विनियोग होगा। इसीलिए ये सारे टॉपिक क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसीलिए हमें इन्हीं के हिसाब से बचत को देखना है और फिर हमें क्या करना है, उसका विनियोग किस तरीके से कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो आप लोगों को मैंने बचत बताई थी कि बचत की परिभाषा या बचत का जो सूत्र होता है वो किस तरीके से हम दे सकते हैं। आय हमारे पास थी, अब कुल आय में से हमने एक हिस्सा तो क्या कर लिया है, उपभोग व्यय का कर लिया है। उपभोग व्यय करने के बाद हमारे पास क्या बच जाती है, बचत बच जाती है। तो कुल आय में से हमने क्या किया, कुल उपभोग व्यय को घटा दिया। जो बजट बनाया था हमने, उस बजट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि हमने जो व्यय किया है पूरी आय का किस किस के ऊपर, किस किस मद के ऊपर हमने व्यय किया है, इस बात को निर्धारित किया था। इस बात को सारणी के अंदर यानी बजट बनाने के मेथड के अंदर हमने इस चीज़ को स्पष्ट किया था कि हमने भोजन पर कितना व्यय किया, आवास पर हमने कितना व्यय किया और वस्त्रों पे हमने कितना व्यय किया, शिक्षा पर, ईंधन पर, इन सब के ऊपर हमने क्या व्यय किया। तो इन सब के ऊपर जो किया जाने वाला उपभोग व्यय होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं। हो सकता है कई बार उपभोग व्यय भी पूछ लिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के आधार पर ही आपको स्पष्ट करना होता है कि उपभोग व्यय का उदाहरण क्या है, किस किस के ऊपर आप उपभोग कर रहे हो। तो कुल आय में से आपने जिस जिस के ऊपर उपभोग किया है उसको टोटल मिला के क्या करेंगे, इसको कुल आय में से घटा देंगे और कुल आय में से घटाने के बाद हमारे पास क्या बच जाती है, बचत बच जाती है। और अब ये जो बचत बची है, इस बचत को हम क्या करेंगे, घर के अंदर तो रखेंगे नहीं, घर के अंदर रखेंगे तो इसका मीनिंग है वो हमारा दूसरा हो जाएगा। बचत का मतलब क्या होता है, बचत को हम कहीं पे बैंक में, डाकघर में, जीवन बीमा में, किसी भी पॉलिसी के अंदर हमें लगाना होता है। तो ये बचत क्या करेगी, उत्पादक का रूप करेगी और वो उत्पादक का रूप ही हमारा क्या कहलाएगा, विनियोग कहलाएगा। यानी जो बचत हो गई हमारे पास, इस बचत के ऊपर हमें ब्याज मिल रहा है या इसको हम कह सकते हैं कि लाभांश मिल रहा है, यानी बचत के ऊपर हमें लाभ हो रहा है, तो वो राशि हमारी क्या बन जाएगी, विनियोग बन जाएगी। अगर अब आपके जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है बचत और संचय में अंतर बताएं, तो ये बचत जो विनियोग का रूप ले रहा है वो इसी मकसद से ले रहा है कि ये विनियोग बचत का रूप कैसे बना है और एक संचय है बचत का रूप है वो कैसे बना है, इन दोनों को ही हमें क्या करना है, यहाँ पे अंतर के माध्यम से स्पष्ट करना है कि होता दोनों ही क्या है। उपभोग व्यय के करने के बाद जो राशि हमारी बचती है वो ही हमारी क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। एक तो हम इस बचत की राशि को उत्पादक यानी उत्पादन, जिसमें हमारा उत्पादन हो रहा है उस कार्य में लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बचत कहलाएगी। यानी हमने 100 रुपये है, उदाहरण से आप देख सकते हो, 100 रुपये का हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष के बाद ये 100 रुपये तो नहीं रहेंगे। अगर हमने किसी भी व्यवसाय में लगाया है, बैंक में लगाया है, डाकघर में लगाया है, तो इस 100 रुपये के अंदर हमें 12 महीने का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा।
तो ये ब्याज हमारा क्या है, उत्पादक रूप है, क्योंकि 100 रुपए है वो हमें एक वर्ष के बाद हो सकता है 110 रुपए मिले या 112 रुपए मिले, अगर ब्याज की राशि इसके अंदर 12 महीने की जोड़ दी जाए या किसी व्यवसाय में लगा दिया जाए तो हो सकता है 100 का हमारा 200 भी हो सकता है। वो लाभांश के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा लाभ कितना हमने कमाया है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, बचत का उत्पादक रूप हो गया, यानी इसको हमने घर में अपनी अलमारियों में संचय करके नहीं रखा है, इकट्ठा करके नहीं रखा है। हम अपने घर में संचय करके रखेंगे तो वो उसका बचत का क्या हो जाएगा, अनुपादक रूप हो जाएगा। बचत का क्या होगा, अनुपादक रूप होगा, क्योंकि उससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, उस आय के अंदर हमारी किसी भी प्रकार की आय में वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए हमें बचत और संचय के अंदर अंतर है, वो इसी उत्पादक और अनुत्पादक रूप में हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। 100 रुपए को हमने अपनी घर में अलमारी के अंदर बंद किया है और 10 साल बाद हमने उस 100 रुपए को देखा तो वो 100 रुपए ही हमें मिलेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। अगर यही 100 रुपए हमने किसी बैंक में जमा किए हुए होते तो 10 साल में हमारा वो 2 गुना हो जाता, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्पादक रूप हो गया। तो इसीलिए ये इन दोनों में जो अंतर है, आपके इसी सिलेबस में दे रखा है कि बचत और संचय में अंतर क्या है, और बचत और संचय में अंतर, बचत की परिभाषा क्या है, और परिभाषा को जो आपके पेपर में पूछा जाता है वो इन्हीं सूत्र के माध्यम से पूछा जाता है। सूत्र 4 तरीके के सूत्र दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको क्लियर करना होता है कि आपका बचत का सूत्र क्या है, या विनियोग का सूत्र क्या है, या संचय आप किसको कहते हो, या बचत आप किसको कहते हो। तो आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के आधार पर आते हैं, आपको यही पैटर्न है वो देख के संभल के चलना होगा कि आपका जो टॉपिक है वो आय किसके बराबर होती है, बचत किसके बराबर होती है, विनियोग किसके बराबर होता है, या बचत या संचय में हमारा अंतर क्या है। अब हमारे पास जो बचत की राशि आ गई है, अब इस बचत को निर्धारित करने वाले कारक क्या है, बचत हमारी किस पे निर्भर करेगी, हर व्यक्ति तो बचत नहीं कर सकता है ना, किस कौन व्यक्ति है, किस आधार पर वो बचत करने का प्रयास करेगा, तो इसको जो निर्धारित करते हैं, ये जो निर्धारित करने वाले कारक कहलाते हैं, ये हमारे 3 हैं। इन 3 कारकों का हमें गहन रूप से अध्ययन करना होगा कि बचत करने के निर्धारक कारक क्या है, या तत्व भी नाम दिया जा सकता है कि बचत को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो ये हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान है, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है हमारा वो इन्हीं 3 कारकों के ऊपर ही हमारा निर्धारित होता है। तो पहला तो कारक क्या है हमारा, बचत करने की योग्यता। अब आपको पता है योग्यता क्या होती है, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो व्यक्ति में योग्यता कहलाती है। अब योग्यता हर व्यक्ति के पास तो नहीं होगी, चाहे कितना भी धन इकट्ठा आपके पास पड़ा रहो तो आप उसको इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते हो अगर योग्यता नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ये योग्यता होनी जरूरी है कि वो बचत कर सकता है या नहीं कर सकता है, और ये जो योग्यता है वो आपकी आय के ऊपर भी निर्भर करती है। आपकी आय कितनी है, आपकी आय अधिक है तभी तो आप बचत करोगे, अगर आपकी आय इतनी है कि आप उसका सारा का सारा क्या कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, तो आपके पास बचत करने की कोई भी योग्यता चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप उसको बचत के रूप में अपना अलग से धन है वो इकट्ठा नहीं कर सकते हो। तो ये भी आप सबको ध्यान में रखना होगा कि योग्यता है वो व्यक्ति की बचत को निर्धारित करती है, और साथ में जो आय होगी वो आपकी बचत को निर्धारित करेगी। दूसरा जो हमारा कारक है वो कारक है इच्छा। बचत करने की इच्छा आपके अंदर जितनी ज़्यादा होगी तभी आप क्या करोगे, उस बचत को आप कर पाओगे। इच्छा निर्भर करती है जैसे परिवार के सदस्यों पर, परिवार के
सदस्य, परिवार के सदस्य आप लोगों का कितना सहयोग दे रहे हैं, आपकी बचत करने में आपकी साथ भूमिका निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इन सब पे भी निर्धारित करता है। परिवार की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता, परिवार के सदस्यों का सहयोग, सहयोग की भावना, तो ये सारी क्या है, इच्छा है। बचत आप कर कब कर सकते हो, जब आपको बचत करने की इच्छा है वो आपके अंदर होगी, आप करना चाहोगे तो आप कैसे भी करके अपनी बचत को इकट्ठा करने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये हमारी वर्तमान आवश्यकता तो हमारी पूरी कर ही चुका है आय के माध्यम से, लेकिन जो भविष्य में हमारी होने वाली आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही हमें क्या करनी होती है, बचत का निर्धारण करना होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, बचत करनी। अब हमारे आ जाते हैं बचत करने के साधन आपके पास कितने हैं या नहीं है, ये भी आपकी क्या करते हैं, बचत को निर्धारित करते हैं। अब साधन में क्या हो सकता है, साधन में आपके पास बैंक की सुविधा हो सकती है, डाकघर, जीवन बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा, ये ऐसे हमारे कारक है, या कोई भी जैसे किसान विकास पत्र हो गया या यूनिट ट्रस्ट हो गया, किसी भी तरीके के इस तरीके के साधन है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी बचत को इकट्ठा कर सकते हैं। आपके पास ये दोनों कारक भी है, आप बचत करने की योग्यता भी रख रहे हो, बचत करने की इच्छा भी आपके अंदर है, लेकिन जब तक आपके पास साधन नहीं है, जब तक आपके पास साधन नहीं है तो आप बचत नहीं कर सकते हो। यानी आपके आसपास कोई बैंक नहीं है, आपके आसपास कोई डाकघर की व्यवस्था नहीं है, तो आप इन दोनों साधनों के अभाव में बचत करोगे तो इकट्ठा कैसे कर सकते हो। इसलिए बचत करने की इच्छा, योग्यता और साधन है, ये तीनों व्यक्ति के पास होंगे तभी व्यक्ति क्या होगा, बचत करने के लिए इंटरेस्ट रखेगा, आवश्यकता उसकी इन तीनों साधनों की है, वो एक साथ ही पूरी होगी तभी वो बचत कर पाएगा, नहीं तो बचत नहीं कर पाएगा। आशा करती हूँ इतना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अब इसके अलावा हमें पहले बचत का ही महत्व है वो देखना होगा, महत्व, बचत करने का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम बचत, बचत करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, तो इसको हमें देखना होगा। बचत करने की परिभाषा, बचत विनियोग दोनों में सूत्र किस इस पार से है, बचत और संचय क्या है, और बचत करने की जो आपके निर्धारक तत्व हैं वो क्या है, तो इसके बाद हम आगे का टॉपिक लेते हैं कि बचत करने के प्रमुख हमारे उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। बचत के प्रमुख महत्व, महत्व, ठीक है, बचत के प्रमुख महत्व क्या है, आप बचत कर रहे हैं तो इसके पीछे आपका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही, कि जिसके आधार पर आप क्या कर रहे हो, अपनी बचत को निर्धारित कर रहे हो। तो सबसे पहले तो है हमारी आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति करना। अब इसको आप समझते होंगे कि आपकी आकस्मिक आवश्यकता क्या है, आकस्मिक का मतलब अचानक आने वाली आवश्यकता, अचानक कोई भी आवश्यकता आ सकती है, कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, बीमारी आ सकती है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो उस समय आपका और कोई साधन नहीं होता है, आपकी जो बचत की हुई धनराशि होती है वो ही आपकी काम देती है। तो बचत करने की आवश्यकता क्या करती है, हमारी
आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके लिए जरूरी मानी जाती है। धन उपार्जित करने वाली व्यक्ति की मृत्यु। आकस्मिक आवश्यकता में भी ये आप बता सकते हो कि धन उपार्जित करने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय हमारा जो बचत का साधन होता है वही हमारा मुख्य रूप से काम देता है। तो जो व्यक्ति घर का हेड होता है अगर वही ना रहे तो उस समय हमारी जो जोड़ी हुई धन संपत्ति होती है उसी के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार का आगे का भरण पोषण करने के लिए सक्षम हो पाता है। इसीलिए हमें क्या है बचत करने की आवश्यकता जरूरी होती है। दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति करना। अब यह दीर्घकालीन आवश्यकता क्या होती है सभी जानते हो। दीर्घकालीन आवश्यकता जैसे माता पिता है अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ क्या है समेट के रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। तो उनकी दीर्घकालीन, बच्चे अभी छोटे हैं, आगे के पढ़ाई करने के लिए उनको बाहर भी भेजना होता है, या किसी मकान की व्यवस्था है, उनके व्यवसाय का प्रबंधन है, उनकी शादियां है, तो ये सारे हमारे क्या है दीर्घकालीन आवश्यकता होती है। बच्चों की शादी, पढ़ाई, मकान, जो आपकी स्थायी परिसंपत्ति है उन सबको उपार्जित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बचत को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि आप उन आवश्यकताओं को जहाँ तक हो सके जल्दी जल्दी उनको पूरा कर सके। इसके अलावा हमारा आ जाता है वृद्धावस्था की वृद्धावस्था में सहायता। ये भी आप जानते हो आप हमेशा जवान तो नहीं रह सकते हो ना, तो आपकी जो इस समय इकट्ठी की हुई धन संपत्ति है वो आपके वृद्धावस्था में काम आएगी। क्योंकि सभी व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर वालों का जो वृद्धावस्था होती है उस समय उनके आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता है, ये बचत की हुई धन संपत्ति होती है वही हमारी काम आती है। तो इसी के आधार पर ही हम अपना भविष्य है आगे का निर्धारित कर सकते हैं। तो ये भी हमारी क्या है इससे वृद्धावस्था है वो आसानी से गुजर सकती है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है आय में वृद्धि करना। आय आपने देखी है, हमने उपभोग व्यय कर लिया, उसमें से बचा लिया, उस बचाई हुई परिसंपत्ति को हमने क्या किया इन्वेस्ट किया है। अब इस आय में वृद्धि कैसे हो रही है, हमने बजट बनाया है, बजट में हमने क्या देखा था आय हमारी क्या है 5,000 रुपये है और इसमें से हमने क्या किया है 4,000 रुपये व्यय करके 1,000 रुपये हमने बचाए हैं। अब ये जो 1,000 रुपये है वो आगे की 5,000 आपकी मासिक इनकम में क्या हो जाएगा वृद्धि कर जाएगी। अब हमारे पास अगले महीने में व्यय करने के लिए जो धनराशि है वो क्या है इतने रुपए है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई है आय में वृद्धि हो गई है। यानी हर महीने जैसे जैसे आप अपनी धन संपत्ति को बचाओगे आपके पास बचत की राशि है वो बचती जाएगी और आपके आय में वृद्धि करती जाएगी। सेवानिवृत्ति के समय आपका आर्थिक सहयोग देना, सेवानिवृत्ति के समय, ये भी जब आप रिटायर होते हो 60 साल के बाद तो आपकी बचत की हुई धन संपत्ति है ये ही आपके भविष्य में काम आने वाली है। इसीलिए ये जो संपत्ति होती है ये ही आपके बचत के महत्व को प्रसारित करती है। सेवानिवृत्ति के समय आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। आपका एक पॉइंट है मानसिक संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि।
बचत जब आपके पास हो जाती है तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मेरे पास भविष्य में कोई भी अगर समस्या आ जाए तो मैं उसका अच्छे से सामना कर सकता हूँ। तो इससे आपको क्या होती है, मानसिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसीलिए भी बचत है वो आपके लिए निर्धारित करने का एक माध्यम बनता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, आपको क्या होगा अगर आपके पास बचत खूब है तो आपको क्या मिलेगी, मानसिक संतुष्टि मिल रही है, साथ में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास आय बचत होगी आप अपने घर को उतने ही व्यवस्थित तरीके से साधनों से संपन्न करोगे और उससे आपका क्या होगा, समाज में नाम होगा, आपकी प्रतिष्ठा होगी। तो ये सारी बातें क्या है, आपको आय वृद्धि के साधनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, वृद्धि करना। राष्ट्रीय आय के अंदर भी आपकी क्या होगी, जितनी भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने का ये कि आप बचत कर रहे हो तो वो किसके माध्यम से कर रहे हो, या तो बैंक के माध्यम से कर रहे हो, बैंक के माध्यम से कर रहे हो या डाकघर के माध्यम से कर रहे हो। तो जो बैंक होती है वो आपको ब्याज कब देगी, जब वो किसी दूसरे को उसका लोन देगी, दूसरे व्यक्ति जब लोन से उस बचाई हुई धन संपत्ति को लेते हैं और उस लोन के माध्यम से कोई इन्वेस्ट है वो नई नई योजनाओं को विकसित करने में होता है, तो उनसे उनको बैंक को प्रॉफिट होता जाता है और बैंक अपने ग्राहकों को उसका प्रॉफिट देती जाती है। तो जब वो उसको किसी विकास कार्य में या योजनाओं में लगाया जाता है तो उससे ही आपको क्या मिलती है, आपकी राष्ट्रीय आय है वो परियोजनाओं का संचालन करने के लिए काम में ली जाती है और उससे राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी तो आपके देश का विकास होता है और आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे ऐसे बिंदु आ जाते हैं जो कि आपकी बचत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये मेरा बचत वाला टॉपिक है अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इसको बताना ताकि लोग इस चैनल से जुड़ सके और अपने इस लैब असिस्टेंट के तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।